तो आज मैं आपको आयुर्वेद के एक ऐसे नियम के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपको रात को सोने से पहले करना है। और ये काम ऐसा है जिसको आपने अगर रात को सोने से पहले कर लिया तो मेरी ये गारंटी है कि आप सुबह उठते ही साथ मुझे याद करेंगे। और वो काम कौन सा है? वो काम है पैर के तलवों की मालिश। वैसे तो व्यक्ति को पूरे शरीर की मालिश करनी चाहिए, लेकिन आयुर्वेद में तीन ऐसे स्थान बोले गए हैं। पहला है सिर यानी कि खोपड़ी, दूसरा है कान और तीसरा है पैर के तलवे। सबसे पहले सामान्य बात है कि अगर आप पैर के तलवों की मालिश करते हैं तो आपके पैर का खुरदरापन दूर होगा। जो कई व्यक्तियों को एड़िया फटने की समस्या होती है वह ठीक होगी। जो हमारे पैरों का रूखापन है वह ठीक होता है। और जाने तो आयुर्वेद में कहा गया है कि इससे शरीर की थकावट दूर होती है। अगर व्यक्ति दिन भर काम करके थका हारा घर पर आ रहा है तब उसको पैर के तलवों की मालिश करना बहुत फायदेमंद होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति के पैर सुन्न पड़ जाते हैं, फिर ऐसा लगने लगता है कि पैर में कोई हलचल ही नहीं हो रही, तब ऐसे में भी पैर के तलवों की मालिश करना बहुत फायदेमंद होगा। आजकल की एक बहुत बड़ी समस्या कि भाई नींद नहीं आती, कुछ भी कर लो एक क्वालिटी वाली नींद टाइम पर नहीं आती। तब सोने से पहले अगर आप पैर के तलवों की मालिश करेंगे तो यह आपको नींद ढंग से लाएगी, एक क्वालिटी वाली नींद लाएगी। आपको पता है कि हमारे शरीर के कई ऐसे अंग हैं जो कि अलग अलग अंगों से जुड़े होते हैं, जिसको हम एक्यूप्रेशर चिकित्सा कहते हैं। यह क्या होता है कि हमारे शरीर के एक विशेष पॉइंट पर, एक विशेष जगह पर उस अंग को अगर बार बार दबाया जाए तो यह हमारे शरीर के जो अंग जो उससे जुड़ा है, जो चीज उससे डायरेक्ट कनेक्ट है, तो यह उस चीज में भी फायदेमंद होती है। तो ठीक हमारे पैर के तलवों की कई ऐसी नस हैं जो कि हमारी आंखों से जुड़ी होती हैं, तो पैर के तलवों की मालिश करना हमारी आंखों के लिए सबसे ज्यादा हितकारी होता है। कभी छोटे में क्या होता था कि हाथ में तो मेहंदी लगाते हैं लेकिन इसके साथ पैरों में भी मेहंदी लगाते हैं, और कई व्यक्ति अनजाने में भी अभी भी यह करते हैं कि पैरों में भी मेहंदी लगाते हैं। लेकिन पैरों में भी मेहंदी लगाना ये तो कोई देखता नहीं, और जब कोई देखता नहीं तो पैरों में मेहंदी लगाने का क्या फायदा। लेकिन जब मैंने आयुर्वेद के ग्रंथों को पढ़ा तब वहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि पैरों का जो संबंध होता है वह हमारे नेत्रों से होता है, वह हमारे दिमाग से होता है। अगर पैरों की अच्छे से केयर करेंगे, देखभाल करेंगे, तो यह हमारे दिमाग के लिए और सबसे हमारे नेत्रों के लिए फायदेमंद है। पैरों पर मेहंदी लगाने से ये हमारे नेत्रों को और हमारे दिमागों को शांति देता है। अब इसके आगे आयुर्वेद में कहा गया है कि यह हमारे पैरों को स्थिरता देता है। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति एक टाइम पर एक ही जगह पर घंटों घंटों खड़ा है, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं, पैर हिलने लगते हैं जैसे कोई झिंझिनी चढ़ गई हो, तब ऐसे में भी यह उस चीज में बहुत फायदेमंद होगा। इसके आगे एक और कहा गया है कि यह हमारे शरीर को बल देता है, ताकत देता है, जिससे व्यक्ति को देर में थकावट महसूस होती है। अगर व्यक्ति के शरीर में ज्यादा गर्मी बढ़ गई है, व्यक्ति को ज्यादा गर्मी लगती है, उसके कारण उसको स्वप्न दोष की समस्या हो जाती है, तब ऐसे में पैर की तलवों की मालिश करना बहुत फायदेमंद होगा। अब आपको इसको कितनी देर करना है? इसको आपको सिर्फ 2 मिनट ही करना है। 2 मिनट दोनों तलवों के लिए काफी है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।